नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज कमेंटेटर रवींद्र राजा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर क्रिकेट और खिलाड़ियों से जुड़ी अपनी राय वो बेबाकी से शेयर करते हैं। रवींद्र राजा ने हाल ही में अपनी पसंद की ऑल टाइम प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। इसके बाद से ही इस ऑल टाइम प्लेइंग 11 पर चर्चा शुरू हो गई है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के यूट्यूब पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ने अपनी बेस्ट 11 खिलाड़ियों का चयन किया। सबसे ज़्यादा बात जिस वजह को लेकर हो रही है कि उन्होंने अपने पसंद की ऑल टाइम 11 में एक या दो नहीं बल्कि तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है। रवींद्र राजा ने अपनी इस टीम में तीन भारतीयों को जगह तो दी है, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह दी है। राजा ने विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग को टीम में जगह दी। इसके अलावा सुनील गावस्कर को भी ओपनर के तौर पर चुना है। इसके अलावा नंबर तीन पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को चुना है। वहीं सचिन तेंदुलकर नंबर चार पर इस टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद रवींद्र राजा ने टीम में ब्रायन लारा को जगह दी है। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर गैरी सॉवर्स भी इस टीम में जगह मिली है। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉन और ग्लेन मैकग्रा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि रवींद्र ने अपनी इस टीम में केवल एक पाकिस्तानी को चुना है और वो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान है। आपको बता दें इमरान खान इस टीम के कप्तान भी हैं। गेंदबाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे दिग्गज गेंदबाजों को रवींद्र राजा ने अपने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। टीम में भारत से तीन खिलाड़ी, वेस्टइंडीज से चार खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ी और पाकिस्तान से एक खिलाड़ी को चुना गया है। रवींद्र राजा द्वारा चुनी गई ऑल टाइम बेस्ट 11 इस प्रकार है। वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, गैरी सॉवर्स, एडम गिलक्रिस्ट, इमरान खान, शेन वॉन, मेलकम मार्शल और ग्लेन मैकग्रा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।